तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट संख्या 815, जिसमें 250 यात्री सवार। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो चुकी है। An incident that has rocked the entire aviation industry. Political storm has erupted in India. रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट में अधिकतर यात्री भारतीय थे। अरे मेरे को कुछ नहीं बोलने के बाबा। नो 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 नो। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट 815 की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आदित्य राज एविएशन ने भी इस हादसे पे कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। इसी विषय पर थोड़ी और रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसीए के इंक्वायरी चीफ मिस्टर रावत। वेलकम सर। थैंक यू। इस हादसे की अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो हमें और हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है? But for that we first need to find the black box. सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। But just to be clear, ये actually लाल रंग का होता है। ये प्लेन के कॉकपिट का सारा डेटा रिकॉर्ड करता है, इंक्लूडिंग पायलट्स के बीच की बातें प्लेन क्रैश के जस्ट पहले तक, जिसे सुनने से हमें ये पता चल सकता है कि प्लेन क्रैश की असली वजह क्या थी और अगर ये किसी गलती की वजह से हुआ है या नहीं। क्या ये ब्लैक बॉक्स क्रैश में डैमेज नहीं हुआ होगा? जी बिल्कुल नहीं, इसे डैमेज करना बहुत मुश्किल है। ये 1000 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा में भी डैमेज नहीं होता। जैसे कि हमें मिस्टर रावत ने अभी बताया कि अब इंतजार है तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स मिलने का, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर कौन है इस तबाही का जिम्मेदार। Why don't we just issue a statement? अरे भाई रिपोर्ट तो आ जाने दो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हमने लाइफ में मीडिया को स्टेटमेंट दी ही नहीं है। पर इससे पहले हमारे इक्विपमेंट पे सवाल भी नहीं उठाए गए। सवालों के जवाब देना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस डिसीजन है। शाम को दुबई में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। लेकिन खन्ना साहब, बिना किसी वेरिफिकेशन के हम कैसे? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। We, the manufacturers, are the easy target. Exactly. Landing खराब हो तो landing gear में problem है, ज्यादा turbulence हो तो plane के design में fault, और अगर खाने में ज्यादा नमक हो तो temperature control में fault है। आखिर plane हम ही तो बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम ये statement issue करवा दें कि हमारे aircraft में कोई problem नहीं थी, पर जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब तो। यू डोंट नीड टू वरी, हम संभाल लेंगे। आई डोंट थिंक वो मानेगा। वो रणवीर, हु इज ही टू डिसाइड? देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे विल टेक अ डिसीजन। और मैं आपको याद दिलवा दूं मिस्टर बलराज, कि आप इनमें से नहीं हैं।
आप सिर्फ उनकी प्रॉक्सी लगा रहे हो। नथवानी वो कंपनी का एमडी है और बलराज यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट? पेज वन पे कंपनी डूब रही है और पेज थ्री पे ये आदमी नागिन डांस कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो ठीक है, लेकिन वो है कहां? Make it fast, guys. Hurry up. What the hell? What's happening? This air pressure is dropping. What do you think? Can you confirm? I think we flying too low, sir. It says 36,000 feet, but it doesn't look like it. डैन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। बचपन से ही ना ये लाइन बोलने का मेरा बड़ा मन था। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओ दिस, क्या मैं इसे लेके यहां से निकल सकता था? लेकिन अपने एम्प्लॉइज को थैंक यू बोले बिना, दैट्स बैड मैनर्स एंड आई हेट दैट। सो थैंक यू डैन एंड गुड जॉब। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे डैड की कंपनी है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। क्लीन दिस। अरे बेबी सुनो 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 बेबी, मैं बता क्या बेबी बेबी, तुम्हारा एक से पूरा नहीं होता है क्या? अरे लेट मी एक्सप्लेन मायसेल्फ, तुम मुझे बोलने नहीं दे रही हो। मैं बता रहा हूं ना पेपर के बारे में। देखो वो लेफ्ट से आ रही थी, मैं राइट से आ रहा था। उसने हाई हील्स पहनी थी और वो मुझ पे ट्रिप होके गिरी और वो गिरी हुई फोटो मीडिया ने पेपर में छाप दी। मीडिया? मीडिया? अब ये इल्जाम भी तुम मीडिया पे लगाओगे? अरे लेकिन मैं Move!
Move, move. Move, Dad. Move, 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 guys, move. You know what? आज तुम मरने वाले हो और ये बात भी मैं नहीं बोल रही हूं, ये इल्जाम भी मीडिया पे लगाना। बट ये क्या आवाज है? वेयर आर यू? मैं एक मीटिंग में हूं। यू आर राइट, और बोर्ड मेंबर्स भी तुम्हारे साथ भाग रहे हैं। कुछ भी बोले जा रही हो तुम, वो कैसे भागे मेरे साथ? दे नॉट दैट फिट। लिसन, प्रॉमिस मी शाम को यू विल कम बैक एंड मेक अप फॉर दिस। आई एम सॉरी बेबी, शाम को तो मेरी एक और मीटिंग है। फैंटास्टिक, फिर तो मेरे पास बहुत टाइम है एंड आई हैव अ लवली सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। अब की बार ना तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे, मुझे बता के जाना। क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए वॉइस नोट छोड़ के तो गया था। व्हाट? वेयर? राइट देयर। हाय बेबी, आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ा। योर ट्यूसडे वर्कआउट प्लेलिस्ट इज रेडी और हाँ, आपकी कॉफी इज एग्जैक्टली वेयर यू लाइक इट टू बी। That is really nice, but time कहाँ है तुम्हारे पास? You know, मुझे ये शक्तिमान की girlfriend वाला role नहीं करना। Mary Jane और Pepper Potts को लोग जानते तो थे, शक्तिमान की girlfriend का तो नाम ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेबी? इस situation में भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए time नहीं है। Time होगा कहाँ से? सारा time तो तुम meeting में रहते हो और वैसे भी time होता नहीं है, time निकालना। Now I know what's going on. अब समझ आ रहा है तुम किस पेपर की बात कर रहे हो? ये मीडिया की गलती नहीं है। बेबी, आई देयर? सर, हाँ? बहुत डिमांडिंग है आपकी गर्लफ्रेंड। सॉरी, उसको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। वो अकेला डिसाइड नहीं कर कम सकता। कम से कम मल्होत्रा साहब हमारी बात तो सुनते थे। आखिर हमारी बात की भी तो कोई वैल्यू है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिम, आफ्टर ऑल वी आर स्टेक होल्डर्स। रणवीर हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वेल, यू आर इन लक मिस्टर नथवानी, रणवीर आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है। इतनी इज्जत, प्लीज रिलैक्स। वेल, आई एम श्योर आप लोग इस ब्लैक बॉक्स को तो पहचान चुके हैं। ये तुम्हें मिला कहाँ? खन्ना अंकल, शाहरुख खान ने कहा है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वेल, यहां तो कायनात इतनी मेहरबान थी, इसे हमारे ही फेरोज में ले आई। मानना पड़ेगा आदित्य राज एविएशन के एम्प्लॉयज को, इससे पहले के सबूत किसी के हाथ लगे उसे अपने ही घर उठा लाए। आई थिंक वी शुड गिव देम अ रेज, या फिर ऑलरेडी उन्हें कोई बोनस दे चुका है। ये बहुत सीरियस मैटर है रणवीर, हमें इमीडिएटली इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो तो हम डेफिनेटली करेंगे खन्ना अंकल, बट बिफोर दैट, जिस वजह से आज हम सब यहां बैठे हैं, air pressure's dropping. What do you mean? Can you confirm? I think we're flying too low, sir. How's that even possible? It says 36,000 feet here, and it doesn't look like... Son of a gun! So, जब पायलट्स को साफ नजर आ रहा था कि ये प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, फिर भी वो एक 8,000 फीट ऊंचे पहाड़ से जा टकराया। So, Mr. Verma, अगर पायलट सो नहीं रहे थे तो फॉल्ट किस में था? ऑल्टीमीटर में।
बैंग ऑन खन्ना अंकल, थोड़ी सी छानबीन करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि पिछले कुछ सालों से हमारे रेगुलर सप्लाईज की बजाय कोई फैल्कन कॉरपोरेशन नाम की कंपनी हमें ये पार्ट सप्लाई कर रही, क्योंकि हमें सस्ते पड़ते हैं। वेल, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस डिसीजन आई मस्ट से, और आप लोगों के इसी बिजनेस डिसीजन की वजह से पीपल डाइड, लोगों की जाने गई, गलती हमारी है। अब वी कैंसिल ऑल फ्लाइट्स जो इस पार्ट के साथ फंक्शन कर रही हैं, एंड एयरलाइंस को बोलिए अगर हमें उन्हें कॉम्पेंसेट करना पड़े तो हम करेंगे। अरे ऐसे कैसे, पागल हो गए क्या? 40 साल की मेहनत पानी में डूब जाएगी। एयर गोइंग का हाल देखा क्या? आजकल एक पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दो तो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। हम तो प्लेन ही वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। हमारे शेयर्स तो ऑलरेडी 300 पॉइंट डाउन है। हम बर्बाद हो जाएंगे। कॉम्पेंसेशन एयरलाइंस की जगह विक्टिम्स की फैमिलीज को क्यों नहीं दे देते? 25 लाख 30 लाख दे दो। आई एम टेलिंग यू, वी आर टेलिंग यू, हमारे स्टॉक्स नीचे आ गए, ये नहीं हो सकता। स्टॉक्स ऐसे दिखा कर रहा है, क्रेजी बर्बाद कर रहे। 12 साल का बेटा था मेरा, पहली बार स्कूल ट्रिप जा रहा था। I want justice! मेरा बेटा और मेरी बहू हनीमून मनाने के लिए गए थे, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। और मैं कल ही रह गई, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? सो मिस्टर नथवानी, अगर आपका बेटा इस प्लेन पे होता तो कितनी कॉम्पेंसेशन लेते आप? मिस्टर खान, क्या आप इस औरत को कन्विंस कर सकते हैं कि आपके कंपनी के शेयर का प्राइस उसके बेटे और बहू की जान से ज्यादा कीमती है? समीर, यू लॉस्ट योर फादर लास्ट ईयर राइट? कितने करोड़ उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं? आदित्य राज एविएशन एक आदमी ने अकेले अपने उसूलों के दम पे खड़ी की थी, अगर वो उसूल नहीं रहे तो ये कंपनी भी नहीं रहनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को मैं कन्विंस करूंगा, और जो कोई भी मेरे साथ दुबई चल रहा है कुछ नहीं बोलेगा। वहीं से हम एक प्रेस स्टेटमेंट भी इश्यू करेंगे। क्या आप इन महापुरुषों की टिकट किसी सेफ फ्लाइट से बुक करवा सकते हैं? क्योंकि इनका तो पता नहीं, मुझे इनकी जान की बहुत परवाह है। खन्ना अंकल, क्या आप ये फैल्कन कॉरपोरेशन के डील के पेपर्स फीनिक्स में भिजवा सकते हैं? हाँ। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, जिस किसी ने भी ये डील सैंक्शन की थी उसकी तो मैं सी यू बॉयज इन दुबई। तो easemytrip.com से टिकट्स बुक करवाऊं? आओ। उप्स, सारा एक्शन वेस्ट हो जाता, चलें। एक मिनट, क्या है भैया, हैं? इन मुस्टंडों को काय की तनख्वाह देते हैं हम, हैं? सर, इनको रोकने की कोशिश की। चुप है, खुद दाना हुए थे। गुड फॉर नथिंग। और आप बरखुरदा, किसी कंपनी के एमडी को गुंडों से कुश्ती लड़ते देखा है आपने? कब तक चलेगा ये सब? जब आप उस कुर्सी पे बैठना शुरू कर देंगे फिर होएगा। पुत्र, तू समझेगा नहीं। समझ आप नहीं रहे हो दादा। याद है बचपन में जब मैं साइकिल लेके जाता था और एक्सीडेंट कर देता था तो डैड क्या करते थे? भाई साहब साइकिल को ताले में बंद कर देते थे, लेकिन जनाब रात को किसी ना किसी नौकर की साइकिल चुरा कर निकल जाते थे और फिर चोटे लगा के वापस आते थे। सो एग्जैक्टली, आप मुझसे मेरे खिलौने तो छीन सकते हो, मेरा खेलना बंद नहीं करवा सकते। ठीक है पुत्र जी, हर चीज। विल यू स्टॉप बिहेविंग लाइक निरूपा रॉय? ओहो, अब वाओ, now that's a mean machine, the phoenix. Dad ने बड़े दिल से डिजाइन किया था इसे। भाई कमाल का पायलट था तुम्हारा बाप, और भाई बंदा तो और भी कमाल था। देखो ना, एक नौकर को पाई बना के चला गया। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? अक्सर कहा करते थे, ओ बल्लू तू देखना, आदित्य राज एविएशन एक दिन दुनिया के सबसे अच्छे प्लेन्स बनाएगा।
याद आती है उनकी। इस वक्त भाई साहब यहां होते ना तो इन बागड़ बिल्लों को तो एक क्या कह रहे हो दादा, इन बच्चों को संभालने के लिए प्रिंसिपल की क्या जरूरत, इनके लिए तो इनका मॉनिटरी काफी है। पर आई प्रॉमिस यू आई वोंट लेट हिम डाउन। मैंने पता है पुत्र, एक भाई मिला था वो तो रहा नहीं। हाँ पर इस नावलाद को बैचलर को एक पुत्र दे गया, ख्याल रख इसका। दद्दा अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो अपने आसमान को। याद है डैड कहते थे। पुत्र तू अपना ये काम खत्म करके आ जा, गुरुद्वारे में ना एक पाठ रखवाएंगे। अब आपसे कॉकटेल पार्टी की उम्मीद तो मैं कर भी नहीं सकता। की हो गया, फिर झगड़ा हो गया। अब अगर किसी ने अखबार में मेरी फोटो छाप दी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? What's my fault? अब एक यंग हैंडसम स्मार्ट सेलिब्रिटी की फोटो नहीं छापेंगे तो क्या बुड्ढों की छापे? नहीं भाई भरोसा ही नहीं। तुम मना लो, आपकी लड़ ली, आप ही समझा देना। एंड डिड आई टेल यू आप मेरे साथ नहीं आ रहे? ओ पता है मेरे को, पीछे यहां बागड़ बिल्लों पे नजर रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वाह आप हो ना मेरी केतरी जी की जय आंटी, बोलने से पहले ही समझ जाते हो। एंड वैसे भी वहां दो खूबसूरत लड़कियां मेरा इंतजार कर रही, उस कबाब में इस हड्डी का क्या काम? बस जनाब को लोग गल्ला करवा लो हैं, वो आपकी भाषा में कैसे बोलते हैं, यू आर ऑल फाट बट नो शिट, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है जनाब, अच्छा है। ओ नहीं रखिए अपना सर, थैंक यू। ध्यान नाल पुत्र, हेलो लेडीज, हेलो मे आई, यू बेटर कीप इट सेफ। एम आई लेट? जस्ट बाय 2 hours। बैंग ऑन टाइम। Professional Putic, your drink, sir? The Sudanya. It means goodbye. Can't blame me for trying. Are you trying to cheat with Mr. Balraj? Aaj sari ladkiyan mujh pe shak kyun kar rahi hain? This game is going on for years. Purani to tum bhi ho gayi, sweetheart. You know what? You can't even make coffee without me in this plane. Dekho, meri kamzori ka fayda mat uthao. And just by the way, how was your father's surgery? He's fine. You already asked 3 times. अरे मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरे पैसे का बंगला तो नहीं बना लिया तुमने। You'll never change. I've got to go and check on the captain. Okay. And just by the way, I'm going to go and get my own olives. लोगों के पास पीने को पानी नहीं है और हम प्लेन में बाथटब लिए घूमते हैं। सॉरी नथिंग, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, यस यू हैड रिक्वेस्टेड फॉर सम डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट ओवर। थैंक यू सो मच सर। आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं ताकि हम उड़ान के। ओके ओके आई एम ऑन माय वे। मैं अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका हूँ कप्तान साहब, क्या और कोई आदेश है मेरे लिए? वैसे आज मिलने नहीं आए, क्या बात है, मूड खराब है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिली? नो सर, डिपार्चर लेट हुआ है। ओके बट डोंट ओवर स्पीड, आजकल वैसे भी क्रैशेस बहुत हो रहे हैं। नॉट एट ऑल सर, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है आई विल पर्सनली कम एंड से हाय टू यू। अरे नहीं यार, तुम आ जाओगे तो प्लेन कौन उड़ाएगा? जस्ट किडिंग। और कुछ मेरे लिए?
सीट बेल्ट बांध लीजिए सर। डेफिनेटली मूड खराब है। Mr. Malhotra, welcome aboard the Phoenix. Before your departure, may we have your attention while our cabin crew demonstrates the safety. For your safety. To fasten seatbelt, insert the metal end into the buckle as the cabin crew has demonstrated. To secure the seatbelt, pull the loose end of the strap. Excuse me, sir. Can I have your drink? We're about to take off. You shouldn't drink at work, sweetheart. Once again, a very good afternoon, Mr. Malhotra. मैं कैप्टन सन्याल को पायलट शर्मा और सभी केबिन क्रू आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तब आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि Cabin crew,
was me. Captain. Captain. Sanyal. Sharma, can you hear me? जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? कैप्टन, कैप्टन, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है? कैप्टन, कुछ याद क्यों? पहुंच जाना चाहिए था अभी तक. You can't even make off this plane.
लुक हूज बैक। देखो मैं जानता हूं ये काम तो तुम दोनों का ही है, क्योंकि प्लेन के टेक ऑफ के बाद तो कोई चढ़ नहीं सकता अनलेस वो टॉम क्रूज हो, और डेफिनेटली तुमने ये काम बहुत सारे पैसों के लिए किया है, इतने पैसे कि इसके बाद शर्मा जी मालिबू में यॉट खरीद लेंगे और सान्याल तुम ब्राजील के किसी बीच पर खूबसूरत लड़कियों के बीच मार्टिनी पीते हुए चिल करोगे। एंड गोइंग बाय शर्लॉक्स थ्योरी ऑफ डिडक्शन, ये काम डेफिनेटली उन्हीं लोगों ने करवाया जो नहीं चाहते कि फ्लाइट 815 की सच्चाई मैं लोगों के सामने लाऊं। आई मीन दिस इज नो रॉकेट साइंस, कम ऑन। लेकिन क्योंकि तुमने उन मासूम लड़कियों को मारा और मुझे जिंदा छोड़ दिया, तो शायद कोई काम बाकी है। तो बताओ क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कम ऑन टेल मी, क्या हुआ बोलो, कम ऑन बोलो। अरे देखो मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे सुन सकते हो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान बना देता हूं। 500 बिलियन डॉलर की कंपनी का मालिक हूं मैं। 500 बिलियन डॉलर में कितने जीरो होते हैं गिनते गिनते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। सो जस्ट नेम योर प्राइस, बताओ क्या कीमत है मेरी जिंदगी की, बोलो बोलो ना, अरे बोलो, अरे बोल बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें, पैसे चाहिए, कंपनी चाहिए, अभी क्या पप्पी चाहिए, ओके, अरे बोलो, अरे बोल, मेबी दिस वॉइस एक्टिवेटेड, वॉइस एक्टिवेटेड, यस, फीनिक्स ओपन द डोर, एक्सेस डिनाइड। खुल जा सिमसिम, खुल जा, खुल जा, अरे खुल जा, अरे खुल जा, ओके ओके ओके, कम वुशा वुशा वुशा, ओके एक काम करते हैं, जैसे हम दुबई में लैंड करेंगे हम बुर्ज खलीफा जाएंगे एंड वी विल डिस्कस दिस ओवर ड्रिंक्स एंड डिनर, क्या बोलते हो, नहीं ओके मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा ही खरीद के दे देता हूं, नहीं अरे बोलो कुछ तो बोलो, बोलो अरे बोल ना, अरे बोल, गॉड डैम इट, ओपन द डोर, कोई तो फोन उठा लो, कोई तो फोन उठाओ, कोई तो जगो, अरे मिलिट्री वालों तुम तो फोन उठाओ, हाँ?
when somebody picks up the phone. Okay. कुछ नहीं करूंगा. Damn bro, पायलट प्लेन को ऐसे हिला भी सकता है, पता ही नहीं था. अब तुम बात नहीं करोगे तो किसी से तो करूंगा ना. आपका हार्दिक स्वागत है. आप सभी से निवेदन है कि एक लंबी सी सांस लीजिए और खिड़की के बाहर देखिए. भगवान के दर्शन कभी भी हो सकते हैं. सीट बेल्ट बांधने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस प्लेन से कई ज्यादा ढुकी हुई हमारी किस्मत है. सो सिट बैक, रिलैक्स, द बार इज ओपन, मेक अ ड्रिंक, एंजॉय योरसेल्फ, गेट ड्रंक बिफोर डाइंग. आज की शाम शर्मा जी और सान्या झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व. सान्या लूट मत जाना, नेशनल एंथम नहीं. झंडा क्यों हुआ? तू अबे साले सान्या, ये बार बार हिला क्या रहा है? बात तो करनी नहीं, बार बार ये ढकढक 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 ढकढक. देख लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कटप्पा की कसम, किसी को नहीं बताऊंगा तूने मुझे मारने की कोशिश की. सो स्टॉप दिस शिट एंड गेट द हेल आउट. तू नहीं आएगा ना? मैं आता हूं.
हाय बेबी, आई थिंक दीज आर माई लास्ट वर्ड्स। पता नहीं तुमने क्या सोच के बोला था कि आज मैं मरने वाला हूँ। अब लग रहा है कि काश तुम्हारे आखिरी मैसेज का जवाब दे देता, काश तुम्हारा एक शिकायत भरा फोन आज मैं अटेंड करता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हें ये मैसेज मिलेगा कि नहीं, पर अगर तुम्हें ये मैसेज मिल गया तो मुझे किसी में ढूंढने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझ जैसा स्मार्ट और हैंडसम आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। रणवीर मल्होत्रा आदित्य राज एविएशन के एमडी। विश्वास और आदर्शवाद जैसे शब्द जो उनके पिता लेट आदित्य राज अपने पीछे छोड़ गए थे, उनका जीता जागता उदाहरण थे। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सबको ये सूचित करना पड़ रहा है कि एक प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया। और अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से हमें यह भी पता चला है कि उन्होंने कुछ ऐसी अनुचित डील्स की थी जिनकी वजह से हमारे विमानों की परफॉर्मेंस में तकलीफें आई और उसका अंजाम फ्लाइट 815 की दुर्घटना है। उनके इस कदम से न सिर्फ कंपनी का बल्कि कितनी मासूम जानों का नुकसान हुआ। आदित्य राज एविएशन के तमाम कर्मचारियों की तरफ से इस दुर्घटना में होने वाले नुकसान के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार इस दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सके। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसी लगी रिहर्सल? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैं शाम को दुबई में करने वाला हूं, नाइस ना? अरे हाँ, पता नहीं तू देख पाएगा नहीं देख पाएगा, आई डोंट नो। देख तो पाएगा तू, हाँ देख पाएगा तू। बहुत मोटी चमड़ी है, बिल्कुल अपने बाप की तरह, इतनी जल्दी थोड़ी मरेगा तू। हाँ, वो क्या कहा था तूने? एक आदमी जिसने अपने दम पर अकेले ये कंपनी खड़ी की
अपने उसूलों के दम पर अकेले, तो हम सब क्या अकेले अकेले माय फट। अबे कौन से उसूलों की बात कर रहा है, हैं? दीवार फिल्म देख ली थी क्या रात को? कभी बच्चन कभी शाहरुख, साला बोर्ड मीटिंग की नौटंकी बना के रखती। वो तेरा बाप सिर्फ ज्ञान झाड़ता था, कंपनी हमने चलाई है, हमने खड़ी की है, डू यू अंडरस्टैंड? अकेला कमरे में खड़ा खड़ा फ्रस्ट्रेट होता था, चिल्लाता था, एक मरा और दूसरा आ गया उसूलों की दुकान खोलने। और आज आज तो हदी कर दी तूने। ये लगा वो तार लगी। अच्छा, तू सोच रहा होगा कि ये सब किया कैसे? भाई तूने तो हमारी फ्रस्ट्रेशन कम की नहीं, मैं तुझे बता देता हूं। एक एक्सीलेंट पायलट ढूंढा जो तेरा फेवरेट ड्रिंक बदल दे। और सबसे पहले अपने को पायलट को खत्म कर दे। सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दे, फ्लाइट का रूट बदल दे और प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल दे। केबिन क्रू को खत्म कर दे ताकि वो तेरी मदद ना कर सके। सबूत अपने साथ ले ले और तुझे अकेला छोड़ दे। तेरा प्लेन हाईजैक हो गया है ना? अबे यार थोड़ा इतना टुच्चा समझता है क्या? थोड़ा बड़ा सोच, बड़ा थिंक बिग। तुझे तेरे बाप के प्लेन में डाल के 30,000 feet पे तेरी चिता जलाएंगे। और वैसे भी आजकल ये प्लेन गायब होने का कुछ ट्रेंड सा चल गया है। अब उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा जो हमेशा से मेरी होनी चाहिए थी। मेरा एक पैर होगा तेरे बाप की कब्र पे
और एक होगा तेरे कभी ना वापस आने वाली खबर पे। थैंक यू। होता रहता है रणवीर, होता रहता है। Cheers. Enjoy the flight. लास्ट मैसेज 12 बजे मुंबई एयरस्पेस के बाहर जाने के पहले रिले हुआ था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हमने फीनिक्स के फ्लाइट रूट पर आने वाले सभी एयरपोर्ट्स को रेडियो अलर्ट पे डाल रखा है। वो सब भी चेक कर रहे हैं पर कहीं पर भी कोई इमरजेंसी एसओएस मैसेज मिला नहीं है। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्लेन दिखाई दे रहा है आपको? दिखा? नो सर। तो ये अपनी कोशिश वाली कहानी अपने सीनियर्स को सुनाइए। सर इस सर्च ऑपरेशन में हमने अपनी बेस्ट टीम को लगाया हुआ है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन आपके एयर स्पेस से गायब हो गया है और आपकी ये टीम इतने आराम से काम कर रही है। दिस इज योर बेस्ट टीम। आई एम सरप्राइज कि आपको इन लोगों से कोई उम्मीद है। एक्सक्यूज मी मिस, व्हाट डू वी हैव? अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये आपके एयरक्राफ्ट से आया मुंबई एटीसी को लास्ट रेडियो मैसेज था एट 1200 आवर्स। Victor Tango Phoenix 461 GLF 6 Alpha 2 Control. हम इंडियन एयर स्पेस से बाहर जाने वाले हैं। Coordinates 1200 North, 600 East. Current altitude 15,000 feet and climbing. Air speed 500 knots. तकरीबन 3 मिनट में हम कम्युनिकेशन डेड जोन में प्रवेश करेंगे। Copy. कृपया फ्लाइट रूट पर 40,000 feet की ऊंचाई पर बने रहिएगा। UAE एयर स्पेस में प्रवेश करने से पहले 25 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री ईस्ट पर दुबई ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करें। अनुमानित समय 3:30। शुभ यात्रा। बिल्कुल आउट। बस जी जनाब, एज पर शेड्यूल उन्हें हमसे एक घंटा पहले रेडियो पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए था पर देयर हैज बीन नथिंग। मुझे क्रू लिस्ट, चेक इन डॉक्यूमेंट्स, प्री फ्लाइट चेक रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी कैमरा फीड, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी रिकॉर्डेड है वो मुझे सब चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। यस सर। और इस प्लेन पे जो कोई भी है उसकी मुझे जन्म कुंडली चाहिए और अगर नहीं है तो पैदा करो। यस सर। एक और बात, जब तक हमें फिनिक्स नहीं मिल जाता ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ मूव। Okay, those were not my last words. जिंदा हूं, गोल्फ खेल रहा हूं, बोर हो रहा हूं। Okay, वो गोल्फ वाली बात तुमने नहीं सुनी। बट करूं भी तो क्या? क्या नोनू प्लान बनाया अंकल ने? किडनैप कर लेता, जिंदा जला देता, गोली मार देता, पैसे भी नहीं लगते। I mean, the oldest trick in the book. दुनिया का सबसे घिसा पिटा तरीका, बॉम्ब।
बॉम्ब से उड़ा देता, पर नहीं, फ्रस्ट्रेट करना है। अरे फ्रस्ट्रेट करने का भी कोई तरीका होता है? आई मीन आई अंडरस्टैंड दुश्मनी, शोले, खून भरी मांग, कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट प्लेन कभी मिलेगा तो पूछना, प्लेन पता भी है कितना महंगा होता है। इतनी लंबी स्पीच थी, लेकिन ये बताने की क्या जरूरत थी कि कॉकपिट में पायलट ही नहीं है? अब प्लेन क्या उसका बाप उड़ाएगा और मैं बात किससे करूंगा? हमारे प्लेन ने मुंबई से दुबई के लिए टेक ऑफ किया। इस पॉइंट पर फीनिक्स ने लास्ट रेडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और इस पॉइंट पर फीनिक्स रडार से गायब हो गया। अगर सब कुछ ठीक होता तो हमारा प्लेन शेड्यूल के मुताबिक इस रूट पे चलता और अब तक लैंड हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई से दुबई तक कोस्ट पर कई देशों के हजारों रेडियो टावर्स हैं। अगर प्लेन इधर या इसके आसपास भी गया होता तो किसी ना किसी रेडियो टावर ने उसका मैसेज जरूर रिकॉर्ड किया होता, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं। इसका मतलब हमारा प्लेन कोस्ट से ऑफ कोर्स होकर समुंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। जो कुछ भी फीनिक्स के साथ हुआ वो इस और इस पॉइंट के बीच में हुआ। शुभ, प्री टैक्सी चेक रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अप टू डेट ही थी। सर, हाइड्रोलिक्स, प्रेशराइजेशन, ट्रांसपॉन्डर, इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोपायलट फीचर के फंक्शंस नॉर्मल। सर, इमरजेंसी इक्विपमेंट भी अपनी जगह पर थे। और सर, ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हिसाब से टेक ऑफ एकदम स्मूथली हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही उसकी ड्यूटी चेंज हो गई थी और नए कंट्रोलर को हमारा प्लेन शुरू से ही नहीं दिखाई दिया। सर, हो सकता है कि चेंज ओवर के बीच में हमारा प्लेन रडार से कहीं गायब हुआ होगा, क्योंकि शिफ्ट चेंज ही एक ऐसा समय होता है जब 5 से 10 सेकंड के लिए नजरें रडार स्क्रीन से हटती हैं। और पायलट? कैप्टन संजय सान्याल, फर्स्ट ऑफिसर पीके शर्मा के साथ। उनके सीसीटीवी फुटेज आ गए। स्टॉप। कैप्टन सन्याल अपनी फैमिली के साथ वेनिस में छुट्टी मना रहे हैं और यह फोटो 4 घंटे पहले की है, ठीक उस वक्त जब फीनिक्स टेक ऑफ कर रहा था। सो जेंटलमैन, यह प्लेन गायब नहीं हुआ है,
गायब किया गया। क्या? बस यही सुनना था, कुछ और ही मांग लेता। एंड जब यही करना था तो कौन घुमा के कौन पकड़ता है? आई मीन व्हाई ऑल दिस ड्रामा? उषा उषा उषा, फोकस रणवीर, फोकस फोकस। ओके, माय फेवरेट कलर ग्रे, ग्रीन, रेड, मे बी मैचिंग कलर्स, मैचिंग मैचिंग। लाल रंग का डब्बा, लाल रंग की वायर, कहाँ से यार? कम से कम जय वीर होते तो टॉस करके डिसाइड तो कर लेते। दैट्स योर प्रॉब्लम। हर्ट लॉकर देखनी चाहिए थी, पता तो चलता बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करते हैं। नहीं, बस हिंदी फिल्में देखनी। ओके, लगता आज फैमिली रियूनियन कंफर्म है मेरा। रेडार से फीनिक्स के गायब होने के ठीक 25 मिनट बाद सोमालिया के मिलिट्री एयरबेस के रेडार ने एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट स्पॉट किया। उन्होंने फ्लाइट क्रू को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि प्लेन रेडार से गायब हो गया। सोमालिया, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था सर, लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो हमारा प्लेन है। अच्छा, मैंने जो कहा था वो किया? जी सर, मैनेजमेंट को आज सुबह कैप्टन सान्याल का ईमेल आया था कि वो अपनी छुट्टी से वापस आ गए हैं और इमीडिएटली वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने फिट टू फ्लाई रिपोर्ट्स भी सबमिट कर दिए थे। वो फीनिक्स के रेगुलर पायलट हैं, इसलिए हमने दूसरे स्टैंड बाय पायलट को कैंसिल कर दिया था। हमने ईमेल को ट्रेस किया और वो हमारे ऑफिस से आया था। सर, उन्होंने आज सुबह ही हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपने पायलट आईडी के गुम जाने की कंप्लेंट रजिस्टर की थी। और सर, सिक्योरिटी ने डुप्लीकेट आईडी इशू कर दिया विदाउट वेरिफिकेशन। सर, इसका ऑर्डर भी हमारे एक मिनट, लेट मी गेस, इसका ऑर्डर भी हमारे ऑफिस से आया था? जी सर। सर, एक और बात है। या कम ऑन, गिव मी अ सरप्राइज। सर, कैप्टन की सिक्योरिटी चेक इन के टाइम एयरपोर्ट स्टाफ से तू तू मैं हो गई थी जब स्टाफ ने उनके बैग्स की चेकिंग। अच्छा, एक बात बताओ, ये को पायलट क्या नाम है उसका? पीके शर्मा। उसको पता नहीं चला कि उसके साथ जो पायलट है वो कैप्टन सान्याल नहीं है? सर, ये उनकी पहली फ्लाइट है। सर, हमें अथॉरिटीज को अलर्ट करना चाहिए, सर्च टीम्स को डिस्पैच करने के लिए। नो, क्योंकि अगर ये प्लेन हाईजैक हुआ है तो जिसने भी हाईजैक या जिन्होंने भी हाईजैक करवाया है वो अंजाम का इंतजार कर रहे हैं, और जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। सो होल्ड इट। बोर्ड मेंबर्स आ गए हैं? यस सर, 20 मिनट में इन्वेस्टर्स भी पहुंचेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन एक काम करना,
जब तक मैं ना पहुंचूं, मीटिंग शुरू मत होने देना। यस सर। Thank you.
पिताज मुझे शक्तिमान बना के छोड़ेंगे। मेडे हेलो कैन एनीबडी हियर मी? क्या कोई मुझे सुन सकता है? Yeah.
तिफल फी सहारा अबुधाबी हसब अल्फिदियो तबयन अन्ना हुना कलील मिनल फुर्सा अहद यनयीश अलामुद्न अल्तायरा सजल हदल फिदियो अंदमा रआ तायरा मतराका यतीर फोक्रासी ही सल्तात अतयारा फी अबुधाबी लेसा लदाहिम अल्फिक्रा अंशुगु अल्मफाजी ही हदा तायरा इनाहुम यहां बिलू अन्यजीद हुमाविय्यती ही वबजल कल्जुगु कॉन्टैक्ट अबू धाबी एटीसी हरी अप सर आपको लगता है कि रणवीर सर अभी भी अगर देखना ही चाहते हो उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो अपने आसमान को सर कनेक्टेड चल रही है आपकी पार्टी छोड़ो पार्टी निकल गई है यहाँ पे अब आप इमोशनल मत होना अंकल ने तो पूरा प्लान बना लिया था मेरी याद में गुरुद्वारे में पाठ रखवाने का कोई बात नहीं पुत्र जी आप फिक्र मत करो पाठ उन्हीं का रखवाएंगे वो तो डेफिनेटली करेंगे वैसे आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए यहाँ तीन तीन मुर्दे पड़े हुए पीछे आप मेरे साथ आते ना तो आपका चौथा होता अब आप टाइम वेस्ट करना बंद करो Will somebody help me? Please do something. Save him. Waalaikum janab. अभी भी दुआ सलाम बाद में करेंगे. अब क्या आप मेरी ज़िंदगी बचाने की ज़हमत उठा सकती हैं? Just tell him. Sir, do you have a shoot on board? हैं? A shoot? Seriously? Shoot, sir. A shoot. देखो, I'm a one woman man. ऐसी बातें नहीं करते. And not at this time. ओ खोतिया, parachute बोल रही हो. तो ना मैं क्या फुदू? होता तो कूद नहीं चुका होता अभी तक तो पुत्र जी ऑटो इजेक्ट कर दो कैसी बातें कर रहे हो दादा आई एम फ्लाइंग ओवर द सिटी एक आदमी को बचाने के लिए इतने लोगों की जान लोगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा रणवीर तू बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र Important is plane को land कराना है दादा Do whatever you want to do, man. बस इस plane को land कराओ. Can you do something? Help him. Yes, sir. दादा flirt बाद में करना. Hello. जी जनाब सुनिए. सबसे पहले आप transponder on करेंगे कि हम आपको track कर सकें. ये काम करो. यहाँ आके दिखाई दो. अनला farm. अभी भी मैं plane बनाती, उड़ाती नहीं. Baby steps में समझाओ आपके सामने जो कीबोर्ड है उसके राइट में जो पहला बटन है उसको प्रेस करिए ओके ही इज ऑनलाइन यस वेरी गुड सर अभी हम प्लेन के लेवल को बैलेंस करेंगे ओके एक्सटेंड द राइट विंग फ्लैप टू 15 डिग्रीज एयर स्पीड डाउन टू 110 नॉट मास्टर को फ्लिप करिए और कंट्रोल स्टिक को स्लोली आगे पुश कर दीजिए अनला बा बा बम कुछ समझ नहीं आ रहा अनला बम सर आपका एयर स्पीड इंक्रीज हो रहा है एयरक्राफ्ट स्टॉल होने के चांसेस है दिस इज नो टाइम फॉर जोक एग्जैक्टली नो टाइम फॉर जोक होली होली प्लीज प्लीज आराम से समझाओ मुझे यू सी द बिग लीवर इन द सेंटर यस यस बिग बैड लीवर गुड उसको स्लोली पीछे पुल करो अब आपको डिस्प्ले पैनल पे 110 नॉट्स दिखेगा
डिस्प्ले पैनल चार चार है यहाँ, कौन सा वाला? जिसपे बहुत सारा सर्कल है। ओ, यू मीन द मैप पेज विद द प्राइमरी इंजन इंडिकेटर्स? वहां मत ढूंढो, मैनुअल में नहीं होगा। गेट टू द पॉइंट नाउ। अभी सेंटर स्टिक को स्लोली आगे पुश करिए। ओके, पुशिंग, पुशिंग, पुशिंग। एक पैनल पे ब्लू और ब्राउन कलर होगा, आई मीन द प्राइमरी फ्लाइट इंडिकेटर। अरे यहाँ तो ब्लू ही ब्लू है, नो ब्राउन, नो ब्राउन, नॉट इवन डैड ब्राउन। ब्लू और ब्राउन दोनों हाफ हाफ दिखना चाहिए सर, तब तक पुश करिए। ओके 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 ओके, पुशिंग, पुशिंग। हो गया, हो गया। वेरी गुड, अब सेंटर स्टिक छोड़ दीजिए और ये कोऑर्डिनेट्स की पैथ में एंटर करिए। डिकंप्रेसिंग प्रेशर पड़ेगा। मतलब प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। यार तुम समझा रही हो कि डरा रही हो? मैं सिर्फ बता रही हूं। प्लेन का पता नहीं, ये जरूर मरवाएगी। चलिया, तुमको पता है कि तुम क्या बोल रहे हो मुझे? एडवांस भी दो, टेंशन भी लो, तुम्हारे बर्तन भी दो क्या? अरे अगर खन्ना साहब को पता चल गया ना कि तुम ये सारी चीजें मुझे बता रहे हो तो खन्ना साहब को, वो पायलट है, बैलेंस पेमेंट मांग रहा है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट किलर है तू? एक आदमी को नहीं मार सका, अबे वो हवा में सबके सामने, पब्लिक के सामने गुलमंडिया मार रहा है और तुझे बैलेंस पेमेंट की पड़ी? आज के बाद फोन नहीं करना वरना किसी को फुल पेमेंट करके तुझे उड़वा दूंगा। फोन रख। मैंने तो पहले ही कहा था खन्ना साहब, इतनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? एक ब्लैक बॉक्स की हिफाजत तो कर नहीं सके तुम, छोटे कामों की बात तो तुम ना ही करो नाथवानी। डोंट वरी, अभी भी उम्मीद है, इसीलिए वो बॉम्ब रखा था बैकअप के लिए, उस ब्लास्ट से तो कोई नहीं बच सकता है। Look at the time, you idiot. Blast 20 मिनट पहले हो चुका है। With this boy, it's not that simple. I want him dead. I don't know how. Sir, investors आ गए। परेशान होगा, होना भी चाहिए, पहुंचने तो दो। रब दा नाल है, लैंडिंग की तैयारी कर ले पुत्र। फाइनली मिस्टर रणवीर, आपका प्लेन रनवे के साथ अलाइंड है, आपके एयरक्राफ्ट में ऑटो लैंडिंग फीचर है, आपको सिर्फ कुछ वैल्यूज फिट करना होगा। देखो ऐसे बात करोगी तो प्यार हो जाएगा। ये इग्नोर है। रिड्यूस स्पीड टू 80 नॉट्स। ओके।
सेंटर कीपैड के बगल में एक ब्लैक लीवर होगा, उसको 25 डिग्रीज पे सेट करिए। अब लैंडिंग गियर लीवर को नीचे की तरफ फ्लिप करिए, लैंडिंग गियर खुल जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में अब लैंडिंग गियर नहीं है। सर, अब आप रनवे पे लैंड नहीं कर सकते, आपको पानी पे लैंड करना होगा। देखो, अब ज्यादा हो रहा है, एक ही दिन में मैं क्या क्या करूंगा? मिस्टर रणवीर, यू लिसन टू मी और यू डाई। ओके, लिसन। वैसे एक बात पूछूं, कितना देती है ये? What? फ्यूल भी खत्म हो गया। सराहतन मख्तर, दिस मैन बैड न्यूज। सईदी, लदायना मुश्किल है। हुआ लाजीम आबिद ई तायरा बिया कल मिन मियात मील मिन होना इदामा यांजा नास खतीर बयामुत वालाकीन मा अंधाहू एल वकूद लियो सोलेनाक। सर, ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट। उन्हें यहाँ से मिनिमम 100 नॉटिकल माइल्स दूर जाके लैंड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बट उनके पास वहां तक पहुंचने का फ्यूल नहीं बचा है। पुत्र, I know we have a problem. पुत्र जी, गल मनी थी, ऑटो जैक कर लेना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दद्दा, आज मरने का मूड नहीं। गिव मी स्ट्रेट अप, हाउ मच टाइम डू आई हैव? पुत्र, तू, हाउ मच टाइम डू वी हैव? 5 मिनट। 5 मिनट काका जी, बहुत टाइम है दद्दा। चलो टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। कैसी है आपकी लाडली? अभी तक रूठी हुई है। अच्छा, एनीवेज, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस एजेंट कौन है? हाँ, आई मीन, आई एम श्योर वी इंश्योर्ड। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो होगा? ओ ना 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 ना, नहीं है। नहीं है, पर देख, जो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा कोई पागलपन नहीं करना, समझा? कोई बेवकूफी नहीं करनी ऐसी। वाह, जे आंटी इज बैक, समझ गए आप? जी, देख, हम कोई और तरीका निकालेंगे। We think of some other option. Listen, 5 मिनट में से सिर्फ 4 मिनट बचे, तो अब इमोशन छोड़ो, थोड़ा एक्शन करते हैं। We have to evacuate now. Huh? Why? Third floor पे short circuit की वजह से आग लग गई है. So we have to leave now. Let's go. Come.
इन्वेस्टर्स को नीचे लेके जाओ, मैं इनको दूसरे एग्जिट से लेके जाता हूँ। सर आइए मेरे साथ। अरे बाबा ये अभी होने का था। प्लीज फॉलो मी। कहाँ है हेलीकॉप्टर? सर आपका हेलीकॉप्टर 2-3 मिनट में यहाँ आ जाएगा, तब तक मैं बाकी लोगों की सेफ्टी का इंतजाम करता हूँ। हेलो खन्ना साहब। यस। आपसे कोई बात करना चाहता है। यस। व्हाट्स अप खन्ना अंकल? क्या हुआ सरप्राइज्ड? अरे आप ही ने तो कहा था मोटी चमड़ी हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। वैसे मानना पड़ेगा आपके प्लान को कमाल का था। You almost got it right. पर क्या है ना, अगर किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दो तो वो खुद को तुम्हारा बाप समझने लगता है। मानना पड़ेगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। मौत के मुंह में हो फिर भी अकड़ नहीं गई तुम्हारी। थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जिस कंपनी को आज सुबह तुम डुबो रहे थे उसको मैं बचा रहा हूं। अरे वो कोई अपला नारी है जो आप उसे बचाने निकले हैं? थोड़ी सी धूल जमी है, बस साफ सफाई करनी पड़ेगी। वैसे आसमान में चिता जलाने के लिए ऊपर देखने की हिम्मत होनी चाहिए। Confused? So let the fun begin.
रहता है खन्ना अंकल, होता रहता है। काम हो गया। इट्स टाइम टू कम बैक।